हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले चैप्टर में हमने अरुणिमा सिन्हा हिम्मत की मिसाल, है ना, सेकेंड चैप्टर जो था हमारा हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा, जिनसे साक्षात्कार हुआ था और जिसमें उनसे साक्षात्कार के हमें 11 प्रश्न जो है पूछे गए थे, तो हमारा वो चैप्टर जो है समाप्त हो चुका था। अब हम व्याकरण पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमको दो चीज़ें पढ़ना है, समुच्चय बोधक और विशेषण, है ना। तो विशेषण तो हम पढ़ चुके हैं, समुच्चय बोधक भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर रिपीट करेंगे। तो समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं ये आपको देखना है कि दो या दो से अधिक शब्दों, पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, है ना। क्या क्या बोला है परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी, तो दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं या पद भी हो सकते हैं, उपवाक्य भी हो सकते हैं या वाक्य भी हो सकते हैं, तो उनको जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं, योजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, है ना। तो अब पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए, बुक आप लोग ओपन कीजिए, 27 नंबर का पेज निकालिए। दिया गया गद्यांश, इसमें दिखा है शब्द ज्ञान, है ना, 27 नंबर के पेज में शब्द ज्ञान दिया है, उसमें दिया है समुच्चय बोधक शब्द। दिया गया गद्यांश पढ़िए और समझिए बोलता है ना। तो मूलतः हम लोग बिहार के रहने वाले थे, पिताजी सेना में थे, जिस कारण हमें सुल्तानपुर आना पड़ा। जब मैं 4 वर्ष की थी तब रेड पेन से दिया है, मेरे पिता का देहांत हो गया। हालांकि मेरी माँ को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई, लेकिन भी रेड पेन से दिया है। परिवार चलाना मुश्किल था, फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और रेड पेन से दिया है LLB किया, साथ ही खेलों में हिस्सा लेना भी जारी रखा। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल और वॉलीबॉल में कई पुरस्कार जीते, पर फिर क्या दिया है, रेड पेन से दिया है। मेरा सपना कुछ अलग करने का था। अब यहाँ पर बोला गया है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कि दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द जैसे कि तब, लेकिन और दो शब्दों, पदों या वाक्यों को जोड़ने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द या पद क्या कहलाते हैं, योजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़े, है ना, कि दो या दो से अधिक शब्दों, पदों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब जो ये समुच्चय बोधक शब्द हैं उसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं मुख्य रूप से, उनके दो प्रकार, एक समानाधिकरण बोधक शब्द और एक व्याधिकरण, है ना। तो जो समानाधिकरण है उसके 4 प्रकार हैं या उसके अंतर्गत 4 शब्द आते हैं, और व्याधिकरण है उसके अंतर्गत भी 4 आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समानाधिकरण में संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक, 4 याद रख लीजिए कि संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणामवाचक, ये जो 4 हैं वो समानाधिकरण के, बाकी जितने बच गए वो कायम आएंगे व्याधिकरण, जैसे कि कारणवाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक, है ना। अगर अपने से पूरे याद नहीं हो सक रहे हैं अपने को, तो अपने को बस ये याद रखना है कि समानाधिकरण में कौन कौन से हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक शब्द आते हैं, और व्याधिकरण में क्या आते हैं कि कारणवाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम आपको उसको बुक से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, समानाधिकरण क्या होते हैं, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। समान स्थिति वाले, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, समान स्थिति वाले, है ना। जैसे कि बोलता है उदाहरण में, दादाजी 1 किलो सेब लाए लेकिन सभी के सब क्या थे, खराब निकले। सेकंड वाले में, तुम साड़ी, कुर्ता और दुपट्टा क्यों लाए हो, है ना, ये समानाधिकरण का उदाहरण। वैसे ही समानाधिकरण के अंतर्गत पहला क्या आ गया है, संयोजक समानाधिकरण, है ना। संयोजक समानाधिकरण में बोला है इसकी परिभाषा कि ये अवयव दो समान शब्दों, वाक्यों, पदों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम, संयोजक मतलब जोड़ने का काम करते हैं। जहाँ पर ये आया संयोजक के आगे, जोड़ने का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे कि दिशा और सुशील, है ना, घूमने गए, तो इसमें और एवं,
दोनों शब्द क्या आते हैं संयोजक के अंतर्गत, और एवं से जोड़ते हैं अपन तो संयोजक, जोड़ने का काम करते हैं संयोजक और एवं। विभाजक अलग करने का है ना, या विकल्प प्रकट करने का। तो विभाजक ये अव्यय दो शब्दों पदों पदबंधों या वाक्यों को जोड़ते हुए विकल्प प्रकट करते हैं, है ये हो सकता है या ये, तो अपने तो क्या आ जाएगा वहाँ अथवा या चाहे। तो जैसे उदाहरण है ये आइसक्रीम या वे आइसक्रीम या पिज्जा लाए, दोनों में से कोई एक चीज़ लाए या आ गया, तो इसके जो इसकी पहचान है उसमें क्या होगा अथवा या चाहे, है ना। और आया और एवं आया तो वो काय में आएगा संयोजक में, जोड़ने का काम। ये भी विभाजक भी है, जोड़ने का काम करते हैं परंतु विकल्प प्रकट करते हैं। तो विकल्प कौन कौन से चीज़ प्रकट करते हैं, कौन से प्रकार में, अथवा या चाहे, ठीक है। अब फिर विरोध सूचक, तो विरोध सूचक में विरोध या निषेध का भाव प्रकट करते हैं, है ना। तो वे जैसे कि उदाहरण है वे साथ जाएंगे किंतु साथ आएंगे नहीं, है ना, जाएंगे तो साथ किंतु साथ आएंगे नहीं। जैसे कि पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, ये सब आएगा इसमें विरोध सूचक में। बिल्कुल ध्यान से बच्चों याद रखना है हमको, संयोजक में जोड़ने का काम करते हैं और एवं आएगा तो संयोजक में जोड़ना है लगाना है। विरोध सूचक यानी विभाजक शब्द ये भी जोड़ने का काम करते हैं परंतु विकल्प प्रकट करते हैं, जैसे कि अथवा या चाहे, ठीक है। फिर विरोध सूचक ये विरोध या निषेध का भाव प्रकट करते हैं, वे आएंगे तो साथ किंतु जाएंगे नहीं, है ना। तो पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, ठीक है। फिर अगला है परिणाम सूचक, तो इसमें बोला गया है कि वे अव्यय ये अव्यय पहले उपवाक्य और उसके परिणाम के बारे में बताने वाले दूसरे वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी पहले वाक्य में जो आए हैं उसको बताने वाले शब्दों के दूसरे वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम। जैसे वे साथ नहीं गए तो उनकी लड़ाई हो जाएगी, है ना, यानी साथ साथ नहीं गए तो क्या हो जाएगा, उनकी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं अपन, साथ जाने दो, है ना। तो इसमें होगा कि तो, अतः, फलतः, अन्यथा, इसलिए, अत्यो, ठीक है। इसकी परिभाषा याद रहे ना रहे, इसके जो इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो हमको याद रहना चाहिए, है ना। समानाधिकरण में लेकिन और, तो समानाधिकरण में ये पूरे चारों जो हैं उसके अंतर्गत कोई से भी आएंगे तो वो समानाधिकरण के प्रकार हैं क्योंकि, है ना। संयोजक में बोला जोड़ने का काम करते हैं और एवं। विभाजक में ये भी जोड़ने का काम करते हैं, विकल्प प्रकट करते हैं, तो या, चाहे और अथवा, ठीक है। फिर विरोध में विरोध या निषेध प्रकट करते हैं, तो किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, ये सब क्या आएगा, विरोध सूचक। और परिणाम सूचक में बोला है तो इसमें आएगा तो, अतः, फलतः, अन्यथा, इसलिए, अत्यो, ये सब काय में आएंगे परिणाम सूचक में। अभी तो अपना आधा भाग हुआ है बच्चों, और व्याधिकरण जो है हम कल पढ़ेंगे। आज आप लोग क्या कीजिएगा होमवर्क में, कॉपी बुक में तो बहुत अच्छे से दिया है, एक बार अपने तरफ से कॉपी में नोट करके लिख के देख लेंगे कि हमको क्या चीज़ याद है, कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, हम एक बार आपसे कल फिर पूछेंगे। तो अब जो है आज की कक्षा यही समाप्त हो रही है, व्याधिकरण जो है हम आधा जो है बचा है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।